हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों का फेवरेट ग्रेप्स जैम, बहुत ही पसंद है बच्चों को ब्रेड जैम। तो आज हम इसकी बहुत ही इजी रेसिपी लेके आए हैं। टेस्ट होने के साथ साथ ये थोड़ा हेल्दी भी है बच्चों के लिए और टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम बना रहे हैं जैम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्रीन कलर के अंगूर, आप चाहें तो ब्लैक वाले भी ले सकते हैं, बात एक ही है, सिर्फ कलर चेंज है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन वालों के बना रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक वालों के बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg लिया है अंगूर दाना, और इसको मैं इसमें से निकालूंगी और अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो अभी हम इसको वॉश कर लेते हैं। ये मैंने वॉश कर लिया स्ट्रेनर में, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इस तरीके से ये जो अंगूर हैं इसके गुच्छे से इसको अलग कर देंगे, सारे ही अंगूरों को। तो हम इसको अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे ही अंगूरों को गुच्छे से अलग कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो अभी हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे अंगूरों का पेस्ट बना लिया है, और इसको एक बर्तन में डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको छान के भी डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। और अभी हम इसको गर्म होने देते हैं। पहले इसमें एक उबाल आ गया है, अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी डालकर इसको मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक होने देते हैं। हमें इसको थिक करना है, चलाते हुए थिक करना है, और हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे 2 चम्मच, ताकि ये जो चीनी है हमारी वो अच्छे से जमे ना इसमें। वरना अगर हम इसमें नींबू नहीं डालेंगे, नींबू की जगह आप साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, वो आपको डालनी है 2 से 3 पिंच डाल दें आप उसको। अगर वो नहीं है तो लेमन जूस डाल दें, वो आपको अच्छा लगे। इसको चलाते हुए हम थोड़ा और थिक कर लेंगे। ये काफी थिक हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें फूड कलर। वैसे फूड कलर कोई जरूरत अगर आप ना समझे तो, लेकिन क्योंकि अगर ब्लैक कलर के ग्रेप्स होते तो कोई नीड नहीं, उसका कलर बहुत सुंदर आता है। अब क्योंकि हमने ग्रीन ग्रेप से बनाया तो उसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा अगर ग्रीन फूड कलर डाल दें तो ये देखने में बहुत सुंदर कलर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें, लेकिन बिल्कुल वो मतलब खाने में मजा नहीं आता, थोड़ा सा तो उसमें पल्प्स आने चाहिए। तो मैंने इसको हल्का सा दरदरा रख लिया है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर छान कर रख सकते हैं। मैंने आपने देखा था, मैंने छाना नहीं था, थोड़ा बारीक पीसा था, लेकिन इसमें पल्प्स हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मुंह में कुछ ना आए और ऐसे ही सीधा जैम चला जाए, तो आप उसको छान सकते हैं। और मैं बताऊं कि नींबू, हम इसमें चीनी जो हमारी चीनी है वो जमे ना इसलिए डालते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कुक करते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे सोडियम बेंजोएट। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर हमें इसे ज्यादा टाइम तक रखना होता है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वैसे तो ये ऐसे भी खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको 6-7 महीने से ज्यादा रखना है इसको, तो ये आप इसको जरूर यूज करें, इससे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है। आप चाहें इसको ऐसे ही देख लीजिए, थोड़ा ठंडा होके भी ये हमारा थिक होगा, और चाहे प्लेट में डाल के देख सकते हैं। तो अभी गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, ठंडा करते हैं और कंटेनर में डाल देते हैं। तो अब ये ठंडा हो गया है और मैंने कंटेनर में डाल दिया है। आप इसको कंटेनर में डाल के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी हमने इसमें सोडियम बेंजोएट डाला था, तो उससे ये हम 6 to 7 months से भी ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको बनाइए, पराठे पे लगाइए, ब्रेड पे लगाइए, या पूरी पे लगाइए, रोल कीजिए, खाइए मज़े से। बच्चों को जैम बहुत पसंद है, क्योंकि ये होममेड है, हम घर पर बना रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश जैम है।
तो आप इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए। बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रेश अंगूर लीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए, और जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक इसको एक दो बार चला दें और फिर अच्छे से कुक होने दें। बीच बीच में हम इसको चलाते रहें, कंसिस्टेंसी जितनी आपको रखनी है उतना आप देख कर रखें। थोड़ा सा इसको पहले ही, जितना आपको थिक रखना है उससे 1 या 2 मिनट पहले आप इसको फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि रखने के बाद भी काफ़ी थिक होता है। और आप इसमें नींबू की जगह सैट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा खाना थोड़ा कम पसंद है तो आप इसमें चीनी की जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।